ओके सर, अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि पूरा वीक आपके लेक्चर्स नहीं हो सके और हमने क्लासेस भी अटेंड नहीं की बिकॉज आई वॉज टू बिजी इन ग्रेडिंग एग्जाम्स असेसमेंट। तो वैसे भी सेमेस्टर एंडिंग पे था तो काफ़ी चीज़ें पेंडिंग थी, तो पहले मैं सोचा कि एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं और फिर इसके बाद मतलब आप ही क्लासेस पे फोकस करते हैं। तो वी हैव कम टू दिस स्टेज वेयर वी हैव टू कवर ओनली वन चैप्टर ऑफ दिस कोर्स विच इज रिलेटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ओके, दिस इज द लास्ट चैप्टर और काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी इसकी रिजेबनेस बनेगी हमारे जो हमने कुछ प्रीवियसली एक पूरा रूडिमेंट्री नॉलेज उसका कवर की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उससे भी काफ़ी मतलब रिलेट करेगी और स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोर्शन के ऊपर। तो इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारे से दो लेक्चर रह गए हैं जिसमें हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर आई नो कि चैप्टर नंबर 27 तो नहीं 28 के, क्या 28 के प्रॉब्लम जो है वो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए ट्यूटोरियल सेशन बना के, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आज रात को मतलब तो आज ही अपलोड कर दूंगा इसके पहले या इसके बाद कर दूंगा, और फिर चैप्टर नंबर 29 के भी इसके साथ अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारा एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम जो अपकमिंग वीक जो आ रहा है उसमें मंडे को या ट्यूसडे को जब हमें टाइम मिलेगा इन दो दिनों में किसी एक दिन ही कर लेंगे। आपको आधे घंटे के लिए मतलब लाइव होना पड़ेगा और अपने अटेंडेंस मार्क करवाएंगे, कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट होंगे तो वो डिस्कस करेंगे और बस हमारे ये क्लासेस पूरी ख़त्म हो जाएंगी। आई अनाउंस द सिलेबस ऑफ द फाइनल आफ्टर डिस्कसिंग विद द अदर इंस्ट्रक्टर्स। तो जो भी सिलेबस होगा वो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो आपका मतलब मिड वन से लेकर जो फाइनल अभी हमें कवर किया ये तो यार लास्ट भी इंक्लूड होगा ना। परहैप्स हम मतलब ना मैकेनिक्स का पोर्शन शायद एक्सक्लूड कर दें, अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये जो भी डिस्कस होगा मैं आपको ईमेल कर दूंगा। और ऑब्वियसली बात है कि एग्जाम से एक वीक पहले आपको ईमेल आ जाएगी। बाकी हमारी असाइनमेंट्स की बात करते हैं, हमारी पास 4 असाइनमेंट्स होंगी, हमने 2 असाइनमेंट्स और कवर करनी है इस कोर्स के लिए। ठीक, तो वो हमने उसको भी देखना है। ये 2 लेक्चर्स कवर करने के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो चैप्टर नंबर 25th एंड 26th से रेलिवेंट होगी, उसके प्रॉब्लम्स भी ट्यूटोरियल में मैंने अपलोड किए मैं कोर्स वेबसाइट पर गूगल क्लासरूम में, और वो उसके अच्छा जो दोनों की डेडलाइंस है ना असाइनमेंट नंबर 4 की और असाइनमेंट नंबर 5 की असाइनमेंट नंबर 6 की वो एक साथ होगी। उस पर मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आपकी दोनों असाइनमेंट्स को शॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब या तो मेरे पास ये था कि मैं एक ही लॉन्ग असाइनमेंट बनाऊँ जिसमें मैं पहले जो हमने 4 चैप्टर्स पढ़े हैं 25th 25 25 26 28 एंड 29 इन सब के मैं एक ही लॉन्ग असाइनमेंट बनाऊँ, सारे प्रॉब्लम्स डाल दूँ, कोई 8 9 क्वेश्चन बना दूँ। मगर आई फील को काफ़ी बच्चों ने ये कंसर्न भी शो किया कि सर नहीं इस तरीके से नहीं, मतलब ना आप 2 असाइनमेंट्स बना रहे हैं हमारे लिए भी ईजी होगा, तो उसी तरीके से कर लेते हैं। तो मैं कोई 3 से 4 क्वेश्चन की एक असाइनमेंट बना दूंगा जो असाइनमेंट नंबर 5th होगी एंड द सेम गोज फॉर द असाइनमेंट नंबर 6। तो ये आपने गूगल क्लासरूम में सबमिट करवानी होगी और ड्यू टाइम और ड्यू डेट पे सबमिट करवानी होगी, उसके बाद आप उससे गूगल क्लासरूम में भी सबमिट नहीं करवा सकते हो। मैं ईमेल पे कोई भी असाइनमेंट को ग्रेड नहीं करूँगा, काइंडली अगर आप किसी वजह से लेट हो गए या इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ गया है तो वो आपने अपने ड्यू टाइम या ड्यू डेट के ऊपर पेंडिंग नहीं रखना, आपने उससे पहले सबमिट करवा देनी है गूगल क्लासरूम के ऊपर। तो ये हमारी असाइनमेंट्स की होगी। अच्छा, अब जो ग्रेडिंग के लिहाज से अक्सर बच्चे कंसर्न शो कर रहे हैं कि ग्रेडिंग कैसी होगी, मतलब फाइनल मतलब एब्सोल्यूट होगी रिलेटिव होगी, इसके बारे में भी कोई हमारी मीटिंग नहीं हुई। मोस्ट प्रोबेबली जब हम फाइनल का सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे तो तभी हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप इन चीज़ों की टेंशन ना लें, ये चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं, ये फाइनल एग्जाम के बाद भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद हम दोबारा क्लास में मिलेंगे ही नहीं। जब भी ऐसा कोई मुझे फील होगा कि मुझे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है या काफ़ी बच्चे कुछ के कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो अगेन हम एक जूम सेशन कंडक्ट कर लेंगे और उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ओके, तो आप इसी की टेंशन नहीं, आप सिर्फ तैयारी करनी है, आप एग्जाम प्रिपेयर करना है अपना। ठीक है, तो चलिए अब ये बातें तो हो गई हैं, अब इस चैप्टर की तरफ चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि क्या इसे क्या हम रिलेट करेंगे। तो अभी तक आपने देखा था कि हमने ये चीज़ देखी थी कि मतलब एक मूविंग चार्ज आज पार्टिकल है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, इसको वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह कंप्यूट करते हैं वो चैप्टर नंबर 28 में हमने एक्सटेंसिवली हमें उसको डिस्कस किया है। ठीक हो गया, तो अब एक
ए और एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी थी उसकी, तो ये थी कि जो करंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जिनमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, वो भी अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होते हैं। ओके तो मैं इसको रिपीट करूँ, पहले हमने देखा था एक मूविंग चार्ज अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है। अब एक उसका एक अलग सिनेरियो है, एक अलग केस है जो कि मतलब एम्पिरिकली डिस्कवर्ड एक वो था ऑब्जर्वेशन थी, जो कि विच क्रिएट्स के मतलब जो मूविंग जो मतलब करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये जो ये वाली चीज़ थी इसने काफ़ी रेवोल्यूशनाइज किया था, तो इसको हम देखते हैं, इसके इसको इसकी डायनेमिक्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके तो हम बात कर रहे थे अपनी ठीक है, थोड़ी बहुत थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने बात करनी है कि जो हमारे पास करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं उस करंट के अराउंड, ठीक है। वो उसकी वो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसकी डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी आगे जाके। अगेन इसकी एप्लीकेशन है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है, पहले था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज जो चैप्टर नंबर 28 का कॉन्टेंट था, अब हम डिस्कस करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, क्योंकि ये मतलब करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट तो जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। अगेन इसकी ये उसकी एप्लीकेशन है जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं, इनको मैग्नेटिक ट्रेन कहते हैं, जो कभी ट्रैक से थोड़ी सी ऊपर मूव कर रही होती हैं, वो इसकी एप्लीकेशन है। आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हो सीडी के डीवीडी के ऊपर, वो सारी चीज़ें इसकी एप्लीकेशन है। तो वो मजीद स्टडी करने के लिए कैसे करती हैं, जस्ट गूगल दैम और रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर इंटरेस्टेड इन कि हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट। ओके तो आपके पास ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें से एक कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और उसकी जो कन्फिग्रेशन है वायर कुछ भी हो सकती है। एट पॉइंट पी यू हैव टू कंप्यूट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज वी आर सेइंग दैट एंड वी हैव ऑब्जर्व कि जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि इससे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगेन अब इसको कंप्यूट ये बिल्कुल वैसे ही, ये भी एम्पिरिकली डिस्कवर्ड, इसकी जो वैल्यू है वो हमने एम्पिरिकल डिस्कवर्ड बेस निकाली थी। जिस तरह आपके पास दो चार्जेस थे और आपने उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंप्यूट की एम्पिरिकल बेस से, जिसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। द सेम गोस द सेम स्ट्रेटजी अप्लाई हेयर, इधर भी दो साइंटिस्ट थे बायोट एंड सैबर्ट, जिन्होंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट की एम्पिरिकली। इसी वजह से इस लॉ को हम कहते हैं बायोट सैबर्ट लॉ। ओके वो क्या कहता है कि उसे कंप्यूट करने का तो उन्होंने रेसिपी बताई, वो रेसिपी ये है कि आपने सबसे पहले, अब आपकी ये वायर क्या है, ये किसी भी आर्बिट्री शेप की है, तो यू हैव टू डिवाइड चंक स्मॉल चंक, और आपने ऐसा चंक लेना जिसमें आपको जो वायर स्ट्रेट वायर नजर आए। ओके उसके अब आपने कुछ चंक्स में डिवाइड किया, ये स्मॉल चंक ले लिया आपने, अब दिस सेम स्ट्रेट वायर, अब इसमें आपने अब ये डिवाइड किया तो इसका एक लेंथ सेगमेंट होएगा जिसको मैं डीएस कह रहा हूँ, ठीक। अब उस डीएस में से भी एक करंट आई फ्लो कर रहा है, तो मैंने एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाई जिसको मैं आई डी एस कह रहा हूँ। आई डी एस इज अ डिफरेंशियल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट। ओके ये एक लेंथ एलिमेंट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये छोटे उसको डिफरेंशियल कह रहे हैं। जो आई डी एस इज डिफाइंड है डिफरेंशियल करंट लेंथ एलिमेंट। ओके तो अब उसके अब डी एस, डी एस इज अ लेंथ एलिमेंट, इज अ डायरेक्शन, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो आई डी एस होगा, अब आई इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर टाइम्स वेक्टर गिव्स यू अ वेक्टर, तो आई डी एस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके तो अगर आपने ये आई डी इस तरीके से लिया, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू टॉप है, तो आपको जो डी एस एलिमेंट होगा वो भी बॉटम से टॉप को ये वाला होगा। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, ये वाला होगा। दूसरी चीज, अब आपने किसी पॉइंट पे भी इसको, मैंने इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट किया, आपको जो आर वेक्टर होगा वो होगा टूवर्ड्स दैट पॉइंट, दिस वेक्टर। लेट मी एंड ये,
The blue one is that vector which is along towards the point on which you have to compute a magnetic field. Okay, so the length a segment is in this direction and you have to compute magnetic field at this point. So R vector is along this direction. Okay, so and there is some again this is a vector ID, this is a vector R, this is a vector. So in the magnetic angle होगा वो चीज़ theta, define theta. अभी वो compute किस तरीके से, अब जैसे मैंने एक differential element लिया, small segment लिया, जो इस point में P point में मैं जो magnetic field compute करूँगा, वो भी small magnetic field होगी, okay? Small magnetic field होगी, तो उसको compute करने का तरीका उन्होंने बताया, अच्छा पहले उसको भी numerically compute बाद में करते हैं, पहले उसकी direction find out करो, तो magnetic field vector quantity. हमें नहीं पता कि इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. अब क्या पता इन टू द प्लेन होगी या आउट ऑफ द प्लेन होगी. तो उसको निकालने का तरीका ये है कि आपने अपने जो फिंगर्स हैं, अच्छा उस पर चलते हैं अभी, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो वी आर डीलिंग विद द सिचुएशन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल. तो अब आपको याद होगा या प्लीज वेट फॉर टू मिनट. Sorry again for the disturbance. Yeah, we are studying how to find the direction of magnetic field. So अभी तक आपने देखा तो हमने पिछले चैप्टर में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को कंप्यूट करने का तरीका हमने यूज किया था वो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल था हमारे पास. ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, लेफ्ट अगर नेगेटिव चार्ज चाहिए तो हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे इन जनरल. और हम राइट एंगल फ्लेमिंग रूल यूज कर रहे थे. But now we are dealing with the situation in which magnetic field is generating. Magnetic field generate हो रही है, वो external magnetic field नहीं है. मतलब हमें नहीं पता, पिछले chapter में हमें नहीं पता था उस magnetic field का source क्या था. वो किसी की वजह से भी हो सकती थी, चार्ज की वजह से हो सकती थी, चार्ज की वजह से हो सकती थी, जो कि एक magnetic field produce कर रही थी और हमने उसके उसके effect study किया. अब तो magnetic field generate हो रही है किसी current carrying object से. जब generating magnetic field होती है उनकी direction को हम राइट एंगल रूल से अप्लाई फाइंड आउट नहीं कर सकते. उसके लिए हम राइट हैंड कर्लिंग रूल यूज करेंगे. तो वो क्या कहता है, अब उसकी बात करते हैं. वो ये कहता है कि आपने अपने जो फिंगर्स हैं वो उस डायरेक्शन पे रखनी है जिस डायरेक्शन में आपका IDS, IDS इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट IDS इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो आपने फोर फिंगर पॉइंट आउट करनी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द IDS वेक्टर, जो कि इस केस में आपके पास इन इस डायरेक्शन के अंदर है, जैसे आप देख सकते हैं. ओके, और आपने फिंगर्स को कर्ल करना है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका आर यूनिट वेक्टर है. अगर तो मैंने अपनी मैग्नेटिक इस पॉइंट पर निकालनी है तो जाकर मतलब आपने फिंगर इस ऑपोजिट साइड पर तो लेना करूंगा. तो आई है, अब देखें इस केस में भी देखें, अब मेरा जो है फिंगर जो डायरेक्शन है फोर फिंगर अगेन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में IDS वेक्टर है. And I have to compute magnetic field at this point. So, अब मैं अपने फिंगर को इस पॉइंट पर कर्ल करना है. जब मैं कर्ल करूंगा द डायरेक्शन ऑफ द थंब गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वो क्या है, अवे फ्रॉम मी इन टू द प्लेन, मतलब मेरे से अवे जा रही है, इन टू द प्लेन जा रही है. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इन टू द प्लेन होगी. सिमिलरली अगर मैंने इस पॉइंट पर निकालनी हो, इन फ्रंट ऑफ दिस निकालनी हो, अब अगेन मेरी फोर्स उसी डायरेक्शन में है. जब मैं कर्ल करूँ, अब लेकिन मेरा आर यूनिट वेक्टर इस तरफ आ गया है. जब आप इस फिंगर को कर्ल करूंगा अलोंग आर यूनिट वेक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, अब वो मेरी तरफ आ रही है. तो अगर मैं इस पॉइंट पे निकालता हूँ एट दिस पॉइंट क्यू पॉइंट पे, तो क्यू पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है. जबकि एट पी पॉइंट वो क्या है, इन टू द प्लेन है. तो आपने अगर करंट कैरिंग वायर हो उसमें करंट कैरिंग फ्लो कर रहा हो और आपने कोई किसी भी पॉइंट पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, आप सिंपली उस पॉइंट पर जाओगे जिसमें जो कि उनमें से जो आई जो करंट की डायरेक्शन जहाँ पर फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपनी फोर फिंगर रखोगे और जिस डायरेक्शन में आपने अपनी मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करनी है उसके अलॉन्ग अपने फिंगर को कर्ल करोगे. दैट गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. ओके, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा. या अब उसकी मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डी बी, स्मॉल सेगमेंट की वजह से हम बात कर रहे थे. अब उसका एक फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला है नॉट ओवर फोर पाई आई डी एस इंटू साइन थिएटा ओवर आर स्क्वायर.
अब ये कहाँ से आया, ये वहां वैसे ही आया जिस तरह कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r2, तो ये उस तरीके से आया, ये एम्पिरिकल डिस्कवर्ड लॉ है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एस वैक्टर और द आर यूनिट वैक्टर। अच्छा, जहाँ पे यू नॉट दिस इज नॉट एन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ म्यू नॉट, एंड म्यू नॉट डिफाइन अ परमिबिलिटी कॉन्स्टेंट। अब परमिटिविटी कॉन्स्टेंट आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा, दिस इज एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कॉन्स्टेंट, ये बताता है कि आप पर कैपेसिटी बताता है वैक्यूम की, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करने की कैपेबिलिटी रखता है। द सेम गोस फॉर द म्यू नॉट, म्यू नॉट आपको बताता है आपके वैक्यूम में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है, दैट डिफाइन परमिबिलिटी कॉन्स्टेंट। ओके, जिस तरह परमिटिविटी कॉन्स्टेंट है अपनी कॉन्स्टेंट वैल्यू थी 8.85×10-12 केवल कूलर मीटर के जो भी है। सिमिलरली म्यू नॉट की भी अपने यूनिट्स हैं, जिसको है 4π×10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। ठीक है जी, ये यूनिट्स आ गए। तो अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ये चीज हमें पता है कि डी एस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमें पता है जो थीटा है वो डी एस और आर यूनिट वेक्टर के लॉन्ग है, तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डी एस इंटू साइन थीटा को हम इस वेक्टर फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, जो कि डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। जब आप अगेन इसको लिखोगे, जब आप इसको लिखोगे इन अगेन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो ये बनेगा डी एस का मैग्नीट्यूड आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, और हमें पता है किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1 के बराबर होता है, तो ये आपको मिल जाएगा डी एस साइन ऑफ थीटा, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो कि आपको इस इक्वेशन के ऊपर है। तो हमें जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ एग्जैक्टली इन वेक्टर फॉर्म इस तरीके से आती है। ओके, चलो जी, ये वेक्टर फॉर्म हो गई एम्पिरिकल डिस्कवर्ड लॉ, ये है बायो सेवर्ट लॉ। ठीक, ये आपको बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो कि जनरेट हो रही है किसी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट से एट सम पॉइंट पी, पर अगर आपने इसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे डी बी को, वो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, और वो आपके पास सिंपल आएगा आई स्केल वो बाहर आ जाएगा, आ जाएगा डी एस वेक्टर आर ओवर आर स्केल, ये आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर। ओके, तो दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने बात कर ली है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और राइट हैंड रूल से किस तरह की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, हमने पहली बात की कि वो या आपने फोर फिंगर उस डायरेक्शन में रखनी है जिस डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो कि क्या है, इसमें टॉप टू बॉटम है, तो आपकी फोर फिंगर यहाँ पे होंगी। इसका इसका एक और आसान तरीका है, अगर एक स्ट्रेट अगर आपने बायो सेवर्ट लॉ से नहीं निकालना, आपने सिंपल तरीके से भी निकाला, क्योंकि जनरल एक मेथड है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का स्ट्रेट वायर्स के लिए, तो आपने मतलब आपका जो थम है वो रखना है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, वो जो कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आपकी इस तरह जा रही है। अब आपने फिंगर कर्ल करना है, अब आप देखें इस साइड पे तो मैं कर्ल करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू मेरे से अवे जा रही है, इनटू द प्लेन जा रही है, और जब मैं जहाँ से बाहर आ रहा हूँ इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जहाँ पे बाहर को आ रही होंगी, इधर को बाहर आ रही है, तो ये आउट ऑफ द प्लेन है। तो अगर सिमिलरली अगर ऑपोजिट साइड की बात करूँ, मतलब मेरा जो कन्वेंशनल करंट है वो टॉप बॉटम टॉप है, तो अब मेरा जो डायरेक्शन है वो इस तरह जा रही होगी। अब मैं जब फिंगर कर्ल करूँगा तो अगेन मेरी जो लेफ्ट साइड है वहाँ से मेरी फिंगर बाहर को आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, और यहाँ पे जाके जा रही है इन टू द प्लेन जा रही है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन, ये है जनरल मैथड कि आप किसी भी वायर का बाई यूजिंग कर्लिंग राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। जो हमने ऊपर बात की थी वो था बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, इससे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। हो गया, अच्छा नाउ कम्स टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस फील्ड। जिस तरह हमें कूलम्स लॉ डिफाइन किया, हमने उसकी जो चार्जेस लिए उसके हमने फोर्स कंप्यूट की थी, जहाँ पर हमने अब बायो सेवर्ट लॉ पढ़ लिया, अब हम एक स्ट्रेट वायर लेते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट बी पी के ऊपर कंप्यूट करते हैं न्यूमेरिकली। ओके, ये आपका एक स्ट्रेट वायर है, उसमें से आई करंट फ्लो करे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, तो यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो हमें अब सबसे पहले आपने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो इनटू द प्लेन होगी आउट ऑफ द प्लेन होगी। ठीक, तो आपने क्या करना है, आपको मैंने पहले कहा कि अब आपने जनरल रूल यूज करना है, वो भी यूज कर सकते हैं और बायो सेवर्ट वाला भी यूज करता है, मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं अब लास्ट टाइम ये दोनों यानी रूल यूज कर रहा हूँ, इसके ऑनवर्ड मैं जनरल रूल यूज करूँगा। पहले हम निकालते हैं बाय यूजिंग
बायो सेवर्ट लॉ, हमने पहले क्या कहा था, हमने ये स्टेट बाय है, आप कोई भी चंक ले लो, मैंने ये चंक ले लिया अगेंस्ट स्टेट है मेरे लिए, यहाँ पर एक डी एस एक लेंथ एलिमेंट हो जिसको मैं डी एस कह रहा हूँ, वो उसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी, तो आई डी एस की वही डायरेक्शन होगी जो कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, जो क्या बॉटम टू टॉप अगेन वही है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली एट पॉइंट पी के ऊपर, तो मेरा जो आर जो वेक्टर होगा वो उसी पॉइंट के ऊपर होगा, मतलब ये मेरा करंट डायरेक्शन है, इस पॉइंट में मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आपका आर जो वेक्टर ये वाला होगा। ओके, अब इनके तरह एक एंगल थीटा बन रहा है, ठीक हो गया, ये थीटा हो गया। तो अब मैंने किसने करना है, अब मैंने राइट हैंड यूज करना है मेरे, अब ये मेरे क्या हो गया, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ आई डी एस लेंथ सेगमेंट जो कि अगेन टॉप बॉटम टॉप, ठीक है। अब मैंने कल किस तरह करना है, कल मैंने करना है फिंगर को जिस पॉइंट पे मैंने इस पॉइंट पर मैंने निकाला, तो मेरा जो आर यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको कर्ल करना है अलोंग आर यूनिट वेक्टर के अलोंग, मैं उसको कर्ल करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ थंब है मुझे क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी के ऊपर, वो क्या है इन टू द प्लेन, मतलब मेरे से तो मेरे परस्पेक्टिव से बात की जाए तो मेरे से तो वो अवे जा रही है, इन टू द प्लेन जा रही है, तो जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इन टू द प्लेन होगी। ओके, तो अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये इस पॉइंट इस लेंथ सेगमेंट से लेके इस पॉइंट पी तक जो है उसको मैंने आर, ये आर यूनिट वेक्टर था ना, अब यहाँ है जो डिस्टेंस उसको मैंने आर मैग्नेटिक कह दिया, ठीक। और जो हमारे पास ये कैपिटल आर है इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एट पॉइंट पी तक, और जो ये एस है वो किसी भी मतलब वायर के सेंटर से लेके उस लेंथ सेगमेंट तक है जहाँ पे हम एस डिफाइन कर रहे हैं, ठीक। बायो सेवर्ट लॉ यूज़ करेंगे, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एस साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये हमने यूज कर दिया। नाउ डी एस टॉप आर शोज द डी बी इन टू द प्लेन, ये हमने बात करके इन टू द प्लेन है। ओके, अच्छा, अब ये इन्फिनिट लॉन्ग वायर है, मतलब इसकी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी इतनी लंबी वायर है, मतलब कभी ना खत्म होने वाली वायर है। तो हमें अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मुझे ऑब्वियसली बात है कि एक स्मॉल डी बी जो चंक है पूरा इसके ऊपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ओके, मैं ये करूँगा, अब ये यहाँ पर ना एक लिमिट की प्रॉपर्टी है, या तो आप नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी कर लो, या फिर आप जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी कर लो और उसको टू से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो फिर जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी वाला भी पार्ट ऑफ इनकॉर्पोरेट कर लेगी। या तो कंडीशन ये कि मैं नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाऊँ, या फिर मैं जीरो से लेकर इन्फिनिटी चला जाऊँ और उसको टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टू का फैक्टर होगा वो मुझे जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी का सफर भी तय करवा देगा। तो मैं ये वाला थ्रू यूज़ कर लेता हूँ। अब ये जब मैं इस पर डी बी की वैल्यू पुट करूँगा, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट आई कॉन्स्टेंट ओवर फोर पाई कॉन्स्टेंट, तो फोर पाई जो होगा वो टू पाई से कैंसिल हो जाएगा, टू से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे टू पाई बच जाएगा। अगेन जीरो से इन्फिनिटी अब लिमिट लगाओगे साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर इन टू डी है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब आर किसके बराबर है, देखो तो आर जो हमारे पास वेक्टर है ना ये बराबर है, अभी ये राइट एंगल बन रही है, जैसे जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई राइट एंगल, तो आपके पास ये क्या है परपेंडिकुलर, दिस वन इज अ बेस, दिस इज अ हाइपोटेनस, तो आर इज एफ स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ रहा है आपको। तो द साइन थीटा इज, अच्छा अब थीटा कौन सा यूज करना है आपकी मर्जी, अब आपको अब ये वाला थीटा यूज करोगे ना तो अभी थीटा कौन सा होगा, ये 90 का एंगल है, ठीक है। जो ये वाला एंगल होगा ना ये होगा हमारे पास, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, ये 180, तो ये पूरा 180 है, उनमें से ये क्या है थीटा, तो ये कितना होगा पाई माइनस थीटा, तो दिस पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, या मैं इसकी बात कर लूँ या मैं इसकी बात कर लूँ, तो दिस इज पाई माइनस थीटा इसके बराबर होगा, आप इतना अगर ये साइन देखिए साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है आर, आर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है हमारे पास आर, जो आर किसके बराबर है हमारे पास एफ के प्लस आर स्केयर का अंडर रूट, ठीक है, उसके बराबर आ गया। और मैं साइन थीटा की वैल्यू जब पुट करूंगा तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि क्या चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, यहाँ पे कोई यहाँ से हम किसी चीज़ कॉन्स्टेंट बाहर नहीं निकाल सकते, उसकी वजह है, ठीक है, कि एक एग्जाम देखो ठीक हो गया, हाँ
ठीक है, आर कॉन्स्टेंट है हमारे पास, आर को हम मतलब आप इस सेगमेंट पे आ जाओ, इस सेगमेंट पे आ जाओ, आर तो हमेशा वही रहेगा, लेकिन हम आर को इसमें से बाहर निकाले, बिकॉज एक मतलब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं इस चीज़ अगर मेरे पास डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसी पूरी की पूरी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, एस ओवर एस के प्लस आर के पावर 1/2 और लिमिट 0 से इनफिनिटी टाइम। अच्छा ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ से, यहाँ मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है, ओके। तो इस वजह मैंने आर को बाहर नहीं निकाला, ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की, तो इसका जो इसका एक्सप्रेशन होते हैं आर ओवर एस के प्लस आर के जिसकी पावर 3/2 है, और अगर मैंने दरमियान वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एस, ठीक, तो या जो उस पूरे का जो एक्सप्रेशन होगा वो इसके बराबर आएगा, ठीक। इतने जरा आई गेस प्रॉब्लम है, ओके। मैं देखा था कि इसका जो इंटीग्रल है ना हमारे पास, या इधर ऐसा ही होगा कि हमारे पास यहाँ से आर कांस्टेंट है, आर चले जाएगा बाहर, तो हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई 0 से इन्फिनिटी डी एस ओवर एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अच्छा जब ये वाला इंटीग्रल ना हमारे पास देखते हैं, ये आपके अपेंडिक्स ई जो है उसको ये जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की ना ये वाली, अगर आपके पास ये वर्क हो और आप 3/2 हो पर डी एस के लिए हाफ इंटीग्रेशन करनी हो और डी एस वेरिएबल हो हमारे पास, तो ये पूरे की पूरी एक्सप्रेशन इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे इस केस में एक्स है वो एस स्क्वायर है और ए जो है वो आर स्क्वायर है, जब आप ये वाला इंटीग्रल इधर पुट करोगे और आपके पास इधर आर स्क्वायर आएगा, वो आर के इस आर से इधर आ जाएगा, आर बाय निकाल जाएगा, यहाँ पे इधर आर स्क्वायर आएगा भाई, तो आर स्क्वायर और कैंसिल हो जाएगा, पूरा इधर पुट करोगे ये वाला पूरे वाला आप नेक्स्ट इधर अप्लाई करोगे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब आप फिर लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करके आपके पास ये चीज़ आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 2 पाई आर। अगर मैग्नेटिकली एट पॉइंट ई है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो ये आ जाएगी, और जो डायरेक्शन है वो क्या होगा इन टू द प्लेन, ठीक है। अब ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, मैं आपको इंकरेज नहीं करता कि आप याद करें, तो मैं कोशिश करूंगा अगर आपको एग्जाम में से कोई चीज़ आती है तो आपको जो इंटीग्रल प्रॉपर्टीज होती हैं वो दी जाए। मगर आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि अदर इंस्ट्रक्टर कैसे डील करते हैं, तो मतलब आई हाईली इंकरेज यू कि कम अज़ कम इस एग्जाम्पल के लिए आप ये जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है वो याद कर लें, तो ताकि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है या कोई भी सब सीम तो आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ओके। तो ये मैग्नीट्यूड है। अब देखिए आप जितना आप आर बढ़ाएंगे, जितना पॉइंट आप दूर लेके जाएंगे या जितना करीब लेके आएंगे, बी की मैग्नीट्यूड उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी, ठीक है। तो जितना आर ज़्यादा होगा उतनी बी की मैग्नीट्यूड कम होती चली जाएगी, ये हो गया। तो ये हमने इसको इस तरीके से बनाया होगा कि मतलब ऐसे ही ये हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली होगी, आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती टेंजेंट होती है ना हर पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें पता कि मेरे पास करंट कैरिंग वायर है, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या है इन टू द प्लेन है, मतलब अंदर को जा रही है, मतलब ये अब मैं यहाँ देखूँ अब इन टू द प्लेन है, ओके, मतलब ये क्रॉस नज़र आएगा, तो क्रॉस जब नज़र आएगा तो इसका मतलब है कि जो मेरा जो थंब होगा वो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में एक करंट डायरेक्शन है वो अंदर को है, तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन फॉलो कर रही होगी, तो यहाँ पे जो है वो इन टू द आउट ऑफ द प्लेन आ रही होगी, और यहाँ पे होगा इन टू द प्लेन जा रही होगी, ठीक हो गया। मतलब इस पूरी चीज़ को ये इक्विवेलेंट आ जाती है, उन्होंने बात की जितना आप आर से दूर होगे उतना आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम महसूस होगी, जितना करीब होगी उतनी ज़्यादा होगी, ओके। अब हम कंप्यूट करते हैं कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट, आपको टू वायर्स हैं ए एंड सेकेंड थिंग इज बी, ओके, एक आपके पास ए वायर है एक आपके पास बी वायर है, दोनों आइडेंटिकल वायर्स हैं, दोनों में से एक भी करंट आई ए फ्लो कर रहा है और एक डिफरेंट करंट ये मैंने आई बी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। आपने किसी भी ए ऊपर फोर्स आपने फोर्स ऑन बी जो मैंने मतलब सेकेंड वायर के ऊपर लगने वाली फोर्स कंप्यूट करनी है फर्स्ट वायर की वजह से, ये बिल्कुल वैसे अगर दो चार्जेस हैं तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इलेक्ट्रिक फोर्स कंप्यूट करनी हो एक चार्ज की दूसरे चार्ज की वजह से, यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है तो आपने उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करनी दूसरी ऊपर लगने वाली फोर्स की वजह से। अब ये जो दोनों वायर्स हैं, अब देखें एक वायर ए है
उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जो कि उसकी वैल्यू क्या होगी वो ये हमने कंप्यूट की है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। अब ऑब्वियसली बात है कि जो चार्ज, जो करंट, जो ए वायर है वो अपने जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी उसको बी ए कहेंगे, वो खुद तो एक्सपीरियंस कोई फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। जो सिमिलरली जो बी वायर है वो भी अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, उसके भी अपनी मैग्नेटिक फोर्स होगी, मगर वो अपने ऊपर वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जो बी वायर है वो अपने ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो वाली फोर्स होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड जो ए जनरेट करेगी उसकी वजह से जनरेट हो रही है, ओके। तो मैंने फोर्स कंप्यूट करनी है द वायर बी ड्यू टू ए वायर। अच्छा, ये जी काम हमने कर चुके हैं, ये हमने पिछले लेक्चर के आखिरी टॉपिक में किया था कि मैं फोर्स है करंट कैरिंग वायर की वजह से वो क्या आई एल क्रॉस बी, ये लास्ट हमने रिजल्ट ड्राइव किया था। द थिंग इज अब हमने डिफाइन करना है हमने जो करंट है वो किस में से फ्लो कर रहा है, जिस वायर के ऊपर हमने फोर्स निकाल ली है, क्योंकि तो वायर बी है, लेंथ अगेन किसकी लेंथ, वायर की लेंथ, जो कि वायर की लेंथ कितनी है हमें एल पता है बी। अब इससे बात करते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड कौन सी यूज करनी है। आया कि हमने मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी, वायर बी भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी जिसको हम बी बी कह रहे हैं, और एक मैग्नेटिक फील्ड ए वायर जनरेट जिसको हम बी ए सबस्क्रिप्ट ए कह रहे हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी सबस्क्रिप्ट ए है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग ड्यू टू ए ऑफ वायर ए, एंड द बी सबस्क्रिप्ट बी गिव्स यू मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग फ्रॉम वायर बी। अच्छा, अब आप पीछे जाएँ इस चैप्टर पर जाएँ, जब हमने ये रिजल्ट ड्राइव किया था उसके हमने जो मैग्नेटिक फील्ड ली थी ना, जो हम आई एल क्रॉस बी करते थे, उसमें हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, आपके पास एक वायर थी तो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की थी आपने, वो अपने लिए फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। अब जो वायर बी है वो अपने को जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो वायर ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ना कि अपनी जनरेट की हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ओके। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो वायर बी है वो अपने ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो वाली फोर्स होगी जो कि जनरेट हो रही होगी उस मैग्नेटिक फील्ड से जो वायर ए जनरेट कर रहा है, ओके। ना कि जो वायर बी है वो अपने ही जनरेट की हुई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह एक पॉइंट पार्टिकल, उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मगर वो कभी भी अपने ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता अनलेस कोई एक अलग पॉइंट पार्टिकल ना आए, तो वो टेस्ट चार्ज ना आए, ओके। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर ए की हम यूज करेंगे, ओके। ये मैंने लिखा जो कि सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए वैलिड होता है हमारे पास। और अगेन अब ये वायर ए की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगेन वो स्ट्रेट वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली हुई है, वो क्या होगी म्यू नॉट आई ए ओवर टू पाई डी, और डी क्या है वो डिस्टेंस जिससे वो क्या है दोनों वायर सेपरेटेड हैं, ये डी हमारे पास है, ठीक है। देखना यहाँ पे हमें म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर, और आर क्या था वो डिस्टेंस से दो वायर्स आपस में सेपरेट हुई हुई हैं, तो यहाँ पे मैंने वही किया। अब यहाँ पे बी ए की बात करें तो करंट भी वही होगा जो उस वायर से पास कर रहा है, वो आई ए होगा, ऊपर टू पाई डी हो जाएगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, आई एल क्रॉस बी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डायरेक्शन की। देखिए हमने ए इसके ऊपर लगने वाली डायरेक्शन बी की डायरेक्शन निकाली है जो कि ए की वजह से लग रही है। अब हमने एक अब एक करंट कहाँ फ्लो कर रहा है बी के अंदर, ठीक है। ये आपके पास असल रोड बी ए बी रोड है, करंट कहाँ पे जा रहा है जो मेरा थंब है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, मैंने इसमें कर्ल किया। अब देखिए जो राइट साइड पे है जो मतलब जो लेफ्ट साइड पे पोर्शन आ रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है आउटवर्ड मतलब मेरी तरफ आ रही है, और इधर क्या हो रही है इनवर्ड मतलब मेरी राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन जा रही है और यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा आउट ऑफ द प्लेन और यहाँ पे क्या होगा इन टू द प्लेन, कौन सी ए की वजह से जो सॉरी बी की वजह से लगने वाली, ओके। तो या ठीक है, तो अब क्या होएगा, अब देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द प्लेन जा रही है। अब जो करंट है जो हमने लेंथ सेगमेंट लिया उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी क्योंकि उसी डायरेक्शन में फॉलो कर रही होगी, ठीक है। अब देखिए आपके पास लेंथ सेगमेंट की डायरेक्शन इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है इन टू द प्लेन है, तो ये क्या बना रही होगी आपने 90 के एंगल बना रही होगी। तो अब जो लेंथ एलिमेंट है एल क्रॉस बी जो हम करते हैं
और ये बी ए की बात कर रहे हैं, मतलब बी ए की वजह लेने वाली, थोड़ी मैंने वर्ड बैक जो मैंने बात की थी, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो हम ए की वजह से निकालनी है, हम बी तो अपने को एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ए की बात कर लेते हैं, अब ए में करंट इस तक फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और इस पॉइंट पे इनटू द प्लेन है, जो मैग्नेटिक फील्ड अब इनटू द प्लेन है, लेंथ की डायरेक्शन इस तरफ है, अगेन वो 90 का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो वो हमने कर लिया एल क्रॉस बी में, हमें पता वो 90 का एंगल है, तो साइन 90 क्या होएगा, 1 होता है। तो आई एल बी ए साइन 90 के भी दे देगा आपको वो चीज़। अब हमने बी ए की वैल्यू पुट करनी है, बी ए की वैल्यू हमने कंप्यूट की हुई है जो कि ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वो बन जाएगा आपके पास म्यू नॉट एल आई ए आई बी ओवर 2 पाई डी। अच्छा अब यहाँ पे हमने बात करनी है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया और हमने फोर्स की डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता है एल क्रॉस बी, अब एल क्रॉस बी क्या है हमारे पास, एल क्या है वैक्टर, बी क्या है वैक्टर, तो हम इसमें यूज जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम यूज़ करेंगे बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बिकॉज अब यहाँ पर राइट हैंड रनिंग रूल यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो वैसे भी एल क्रॉस बी में हमने राइट हैंड रूल ही यूज़ किया था, वो भी राइट एंगल वाला, अगर पिछले चैप्टर की बात करते हैं तो। अब यहाँ पे आए फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, आपकी जो लेंथ की आपकी जो लेंथ होगी, स्टडी करें तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एल क्रॉस बी बाई अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ओके। जो आपकी लेंथ की डायरेक्शन है वो क्या होगी, आपकी जो मतलब फोर फिंगर होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ होगी लेंथ एलिमेंट, जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो आपकी होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या है इन टू द प्लेन है एट पॉइंट बी वायर के ऊपर। तो आपकी ये डायरेक्शन होगी लेंथ एलिमेंट की, बी बी अगर क्या है इन टू द प्लेन, मेरे से अब ये जा रही है इन टू द प्लेन है, तो बी इस तरफ होगी, तो थंब होगा वो बताएगा आपके पास फोर्स की डायरेक्शन। जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे इसके ऊपर बाय बी के ऊपर, तो आपके पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ आ रही होगी बाय ए की तरफ, ये देखिए जरा ये फोर्स की डायरेक्शन होगी हमारे पास, बिकॉज अगेन इसका बहुत प्रैक्टिस है मेरे साथ, ये वायर है, ये लेंथ एलिमेंट ये था, ठीक है। फोर्स ए जो है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो अगर फोर्स कहाँ पर आ रही है, दूसरी वायर की तरफ जहाँ पे वायर खड़ी है इस तरफ जा रही है, इसका मतलब है जब पैरेलल करंट फ्लो करेंगे, ठीक है, तो जो दोनों वायर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो बिकॉज ये फोर्स उधर को जा रही है, ये वायर उधर को एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, आपस में अट्रैक्ट होंगी। और अगर आपको एंटी पैरेलल करंट हो, फॉर एग्जांपल कि आपके पास सपोज करो एक ये वायर थी एक ये वायर थी, सेम आइडेंटिकल वायर थी, ठीक, इसमें आई ए फ्लो इस तरफ कर रहा है, मगर यहाँ पे जो आई ए है वो अब आउटवर्ड जा रहा है, जहाँ पे बाहर को नहीं कर रहे, यहाँ पे इन टू द प्लेन जा रहा है। अब ये एंटी पैरेलल करंट्स हो गए हैं, जब आप एंटी पैरेलल करंट्स के बारे में पूरी वर्किंग करोगे, मैग्नीट्यूड अगेन सेम रहेगा मगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हमारे पास, और उसमें जो डायरेक्शन है वो अवे है, मतलब जो एंटी पैरेलल करंट्स हैं वो अपने ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसके अगर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, वो कैसे होगी, ये आपने खुद से कंप्यूट करना है, ठीक हो गया। ये हमारा सेकेंड टॉपिक, अब हम चलते हैं एम्पियर्स लॉ की तरफ। अभी तक मैं इसको समराइज कर दूं, हमने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करना एक सीखी बाय बायर सेवर्ट लॉ, जो कि हमने एक स्ट्रेट वायर की कंप्यूट की, फिर हमें दो वायर्स दी उनके दरमियान फोर्स कंप्यूट की, उसके लिए हमने आई एल क्रॉस बी यूज किया, उसमें ये जो बी था वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि ए प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज हम फोर्स निकाल रहे ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक। हमने बी पता वो क्या है, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए की वजह हमें पता क्या है, वो हम ऊपर कंप्यूट कर ली थी I over 2 pi r, तो r का डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो वो हमने कर लिया, उस केस में वो d है, हमने वो कर लिया बाय उसकी डायरेक्शन निकाल ली l cross b बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वो डायरेक्शन में बता दी उसने, हमें पता है कि वो राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, उसकी वैल्यू पुट करें तो हमें ये उसका आगे मैग्नीट्यूड, तो अगर हमें डायरेक्शन निकालनी होगी तो आपको जो लेंथ फैक्टर होगा वो जो उस वायर में पास कर रहा होगा, तो अगर फोर फिंगर होगी उसकी डायरेक्शन में होगी, जो मिडिल फिंगर होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही होगी, इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, इसके लिए इनटू द प्लेन है, और जो फोर्स की डायरेक्शन जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा होगा, ठीक। अच्छा अब चलते हैं, देखिए अब ये बिल्कुल वैसे जिस तरह हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था,
दो चार दिन से आपने स्कूलों को अप्लाई किया, बस फाइन और बड़े आसानी से आपने पोस्ट कम्प्लीट कर ली, और आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, जब तीन चार्जेस आ गए, चार चार्जेस आ गए, तो आपको इंडिविजुअली चार्जेस की पोस्ट कंप्यूट करनी पड़ती थी और बाद में उनको सम करना पड़ता था, ठीक है। और जैसे ही आपको कोई डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आती थी, तो आपको स्कूल अप्लाई करना मुश्किल हो जाता था। द सेम रूल अप्लाई थी, अगर आपको स्ट्रेट आया तो आप, अब स्ट्रेट बार के होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से कंप्यूट किया था। ये था स्ट्रेट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। आपने पहले एक लेंथ सेगमेंट बनाया, फिर आपने डायरेक्शन फ्लो की फाइंड आउट की, फिर आपने लिमिट्स अप्लाई की, और सारा वो काम करने के बावजूद बाद आपने एक मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट की थी। क्या पता स्ट्रेट वायर ना हो, आर्बिट्री शेप की वायर हो, उसके इंटीग्रेशन बनने कैसे सॉल्व होएगी, वो मुश्किल काम है। तो उस केस के लिए हम ऐसा करते हैं ना, तो हम एक 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 डुअलिज्म फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसको कहते हैं एम्पियर लॉ। जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस के अंदर हमारा साथ दिया था गाउस ने, गाउस ने एक डुअल मेथड दिया था, फॉर्मूला दिया था, जिसको गाउस लॉ कहते हैं, कि उस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट कर सकते थे बाय यूजिंग सिमेट्रीज। एम्पियर ने भी यही काम किया। एम्पियर ने साइंटिस्ट था, उसने सिमेट्रीज देखी और उन सिमेट्रीज में ये अपना लॉ अप्लाई किया। अगेन ये एम्पीरिकल लॉ था हमारे पास, अप्लाई किया, हमने देखा कि हम जो उससे मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करते हैं वो एग्जैक्टली सेम आती है जो हम बायो सेवर्ट लॉ से यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस के अंदर, लेट मी राइट, जो काम इलेक्ट्रो स्टैटिक्स के केस के अंदर गॉसियन लॉ करता है, वही काम मैग्नेटिज्म के केस के अंदर एम्पियर लॉ करता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, मतलब आप बायो सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कंप्यूट करो या एम्पियर लॉ से, सेम आएंगे बिल्कुल वैसे जिस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ से कंप्यूट करो या गॉसियन लॉ से, सेम आती है, ठीक। तो ये हमने अगेन से सिमेट्री यूज करेंगे, तो अगेन ये उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिस तरह आपको पता है कि बायो गॉसियन लॉ का फॉर्मूला आपने आपको तो याद होगा, मैं लिख देता हूँ, वो था हमारे पास ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये था एक्सोसेटिव से गॉसियन लॉ। एम्पियर लॉ कहता है बी डॉट डी एस, अब डी एस इज नॉट अ, या डी एस इज नॉट अ वेक्टर एरिया, इज अ लेंथ एलिमेंट, लेंथ सेगमेंट, हम डी एस या डी एल डिफाइन करते हैं, और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लूड करंट इंक्लूड। आपने अब यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप की बात करें, यहाँ पे बात की थी गॉसियन सरफेस की, ठीक है। यहाँ पे हम एम्पीरियन लूप, वो हमें लेंथ सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो लेंथ सेगमेंट की बात करें, लेंथ सेगमेंट का एक वन डायमेंशनल क्वांटिटी है, और जो लेंथ सेगमेंट अब एक लूप को कन्वे करेगी, लूप इनकाउंटर करेगी, तो उसको हम एम्पीरियन लूप कह रहे हैं। तो एम्पीरियन लूप के अंदर जितना भी करंट इनक्लोज होगा वो इसके बराबर होगा। अगेन ये कहाँ से है, जैसा गॉसियन लॉ आया था, एम्पीरियन डिस्कवर लॉ था हमारे पास, ठीक। इसको हमें अब अंडरस्टैंड करना है, जिस तरह हमने ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट की बात की थी, इसमें हमने तकरीबन बात की ये क्लास के अंदर कि इनमें ई डी ए एक फ्लक्स होता है, हमने फ्लक्स को डिटेल में बात की है, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है हमें उससे डील करना होता था, हमने उसकी बात की है। सिमिलरली हमारे पास एम्पियर लॉ है, एम्पियर लॉ में एक लेफ्ट हैंड साइड है जो बी डॉट डी एस और क्लोज इंटीग्रल है, और राइट साइड पे म्यू नॉट आई इनक्लोज है, करंट इनक्लोज, हमें उसकी बात करनी है। तो हम इसे अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी इसके हाँ इसके इसके पहले हम इसकी जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड उसको स्टडी करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या बता रही है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम तीन वायर्स लेते हैं, I1, I2 एंड I3, ओके। अब आपको वायर तो ऐसी होती है, ये वायर है, आप हमेशा वायर का फ्रंट व्यू देख रहे होते हो, जिस तरह आप ये मैं इस वायर को देखता हूँ, जैसे आप अब देख रहे हैं, आप एक पूरी वायर को इस तरह देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप अब थ्रू आउट दिस कोर्स हम वायर को इस तरीके से नहीं देखेंगे, हम वायर को का जो व्यू है हम इस तरीके वायर देखेंगे, मतलब जिस तरह आप उस तरह नजर आएगी, आप वायर को इस तरीके से, मतलब आपको वायर का सिर्फ क्रॉस सेक्शनल व्यू नजर आएगा, ओके। तो अगर तो करंट इधर को फ्लो कर रहा है, मतलब इस यहाँ से एंटर किया और तो इधर को आ रहा है, तो आपको करंट क्या नजर आएगा, क्रॉस में नजर आएगा, मतलब आपसे करंट अभी जा रहा है, ओके। और अगर मैं देखूंगा तो मेरे तरफ करंट क्या है,
आउट ऑफ द प्लेन, मतलब करंट नहीं तरफ आ रहा है तो आउटवर्ड आएगा। तो जो डॉट है दैट रिप्रेजेंट आउटवर्ड करंट, मतलब अगर मैं, अगर आप देखोगे तो आप करंट क्या होगा, यहाँ से एंटर कर रहा होगा और यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, तो आपको क्या नजर आएगा, एक मतलब एरो नजर आएगा जिसको मैं ये डॉट कह रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे एक वायर इस तरीके से पड़ी हुई है जिसमें से करंट क्या है आउटपुट आ रहा है, और यहाँ पे करंट क्या है इनटू द प्लेन, इनटू द वायर जा रहा है, और अगेन आई थी वायर में से अगेन आउटवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब जिस तरह गॉसियन ने कहा था, एक गॉसियन सर्फेस जैसी मर्जी बनाओ, मैं पीएन लूप जैसी जैसी मर्जी बना लूंगा, मैंने इन पीएन लूप बनाया इस तरीके से कि मुझे दो वायर्स कवर कर रही हैं। ठीक, अब देखें जिस तरह वो बताता है कि बी डॉट डी है जो इंपीरियन लूप आप अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू न्यू नोड आई इन क्लोज। अब आई इन क्लोज क्या, जो इंपीरियन लूप के अंदर वायर है उसके अंदर जो करना है हमें उससे कंसर्न है, और मुझे नहीं पता कि आई थ्री में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ना मैंने उसे कंप्यूट करना है, बिकॉज मेरा जो इंपीरियन लूप है वो आई वन और आई टू को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ओके, तो मैंने उसे उन करंट की बात करनी है। तो अब ऐसा, अब आगे इंपीरियन लूप है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है मैंने। ठीक है, मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन हम यूजुअली कन्वेंशनली हम काउंटर क्लॉकवाइज देते हैं, मतलब एक कन्वेंशन है तो हम यूज करेंगे। तो काउंटर क्लॉकवाइज मैंने डायरेक्शन ले ली, अब मैंने बताना है कि करंट को मैंने पॉजिटिव लेना है कि करंट को मैंने नेगेटिव साइन लगाना है, उसका तरीका है। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसको एक पूरा, उस पूरे लूप को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करोगे, तो ये सेगमेंट को डिवाइड किया, अब जो ये वाला एलिमेंट होगा इसमें डी एस कह रहा हूँ, और डी एस की डायरेक्शन वही होगी जो कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी। तो या मतलब नहीं नहीं सॉरी, ये मैं बायोसावर्ट लॉ को रिपीट कर रहा हूँ, डी एस की डायरेक्शन वही होगी जो आपने अपने इंपीरियल लूप की डायरेक्शन ली है, जो कि हमने क्या लिया, काउंटर क्लॉक वाइज ली है। तो जो डी एस की डायरेक्शन होगी वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज इंटीग्रेशन की डायरेक्शन की तरफ होगी, वो भी इस तरफ होगी, काउंटर क्लॉकवाइज होगी हमारे पास। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने अगर मैंने आई वन, मैंने बताना कि मेरा आई वन है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, मैं क्या करूँगा, मैं अपना डी एस जो मेरा होगा, मेरी अपनी फिंगर्स जो हैं वो मेरी क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डी एस वेक्टर होगी, क्योंकि मैंने जो नजर दिया इस तरफ आ रहा है, और मैंने उनको कर्ल करना है, कर्ल किस तरह करना है, काउंटर क्लॉक वाइज, बिकॉज मेरी जो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है वो काउंटर क्लॉक वाइज मैंने ली है। तो मैं कर्ल करूंगा, जो थम होगा वो होगा, जो होगा जो आउटवर्ड होगा इस केस के अंदर, अगर तो मेरे थम की डायरेक्शन और जो मेरे करंट के फ्लो की डायरेक्शन सेम होगी तो पॉजिटिव होगा, अगर तो वो अपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा। अब आप देखें, मैंने ये डी एस लिया, मैंने वो कर्ल किया अलॉन्ग काउंटर क्लॉक वाइज, तो थम क्या है आउटवर्ड, मतलब नेचर करंट आ रहा है, तो यहाँ पे आई वन क्या है वो भी आउटवर्ड है, अब मेरे थम की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है और आई वन की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, तो ये सेम है, तो आई वन इज अ पॉजिटिव क्वान्टिटी, द सेम रूल गोज फॉर द डी एस। ठीक, अच्छा मैं अगेन, मेरा थम क्या है आउटवर्ड है, मगर जो आई टू की डायरेक्शन है वो क्या है इन टू द प्लेन है, ओपोजिट है, तो मेरा आई टू होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा करंट, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं बी डॉट डी एस, अब देखें बी डॉट डी एस, अब ऐसा होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगी आई वन की वजह से, एक आई टू की वजह से होगी, एक आई थ्री की वजह से भी होगी, देखो आई थ्री में से भी करंट फ्लो कर रहा है और उसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे, मैंने इस पॉइंट पे मैंने बी निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी एन हाइपोथेटिकल लूप, उसको नहीं पता कि आपने दो वायर्स कवर किए हैं, एक वायर कवर किया, तीनों वायर्स कवर किए हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी जो तीनों का कॉम्बिनेशन होगी। ठीक है, अब मजे की बात क्या है, अब हमें इस चीज़ से कंसर्न ही नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कितनी होगी, पहली बात क्यों नहीं है आगे बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए सपोज मेरे डी एस की डायरेक्शन ये थी, ओके, तो जो मेरे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो ये थी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि आई वन की वजह से भी होगी, आई टू और आई थ्री कम्बाइंड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये होगी, किसी भी डायरेक्शन में दूसरी, हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में, हमको कह दिया कि वो डी एस से एक थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। ओके, अब मैंने जो पहले बात की, हमें तो इससे कंसर्न नहीं है कि वो क्या डायरेक्शन फॉलो करेगा, तो किस तरीके से आप देखें, एक इसका कॉम्पोनेंट, ये बी एफ एक रिजल्टेंट वेक्टर है, तो एक इसका कॉम्पोनेंट होगा एक ये वाला
और 100 अगर तुम पर एक ये वाला, तो मुझे किससे कंसर्न है? मैंने तो इम्पीरियल के ऊपर रहना है, तो मुझे कंसर्न है इसके इस वाले कंपोनेंट की वजह से। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना पेन को चेंज करके ना ताकि फिर या एक ये जो ग्रीन वाला था ना हमारे पास, ये डीएस था हमारे पास, ओके। अब मैं जो एक पर्पल ये जो ए ब्लू यूज कर रहा हूँ वो है इस डी बी का, बी का पैरेलल कंपोनेंट, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये पैरेलल कंपोनेंट है, ये है बी कॉस थीटा, ओके। तो मतलब मेरे बी कॉस, जो बी कॉस थीटा है दिस थिंग बी कॉस थीटा, ये उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डी एस है और इम्पीरियल लुक के ऊपर है, तो मुझे सिर्फ इससे कंसर्न है, ओके। जब मैं ये सारी चीज़ें अप्लाई करूँगा बी डी एस, हमें पता है वैसे भी बी डी एस कोसाइन थीटा देगा, और ये बी डी एस है, ये जो बी डी एस है ये मेरे पास क्या आता है, सॉरी बी कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट, किसके बराबर है। तो एक्चुअली में मुझे सिर्फ मुझे मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने बात की मुझे कंसिडरेशन, मुझे सिर्फ मुझे बी चाहिए और मुझे वो थीटा चाहिए जो कि है बी एस के दरमियान और बी के दरमियान। अगर मुझे थीटा पता है बी की वैल्यू जो मर्जी हो, मैं थीटा की वैल्यू पुट करूंगा और मैं कंप्यूट कर लूंगा, ये किसके बराबर होगा, म्यू आई इन क्लोज। अब आई इन क्लोज किसके बराबर होगा, आई वन क्या है पॉजिटिव, हमने कहा जो वो क्या था आउटवर्ड था और थंब डायरेक्शन आउटवर्ड थी तो पॉजिटिव हो गया। आई टू क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज आई टू की मैंने डी एस ऐसे लिया, ये मेरा डी एस था और मैंने उसको कर्ल किया काउंटर क्लॉक, क्योंकि मैंने अपने डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन के काउंटर क्लॉक दी गई, कर्ल किया थंब आउटवर्ड आ रहा है, मगर आई टू इन टू का प्लेन जा रहा है बिल्कुल अपोजिट है, उसको नेगेटिव साइन एसोसिएट कर दिया। तो आई इन क्लोज क्या होगा, आई इन क्लोज होगा मेरे पास आई वन प्लस आई टू, आई टू की वैल्यू क्या है पॉजिटिव आई वन, आई टू की नेगेटिव क्या है नेगेटिव आई टू, ये आई वन नेगेटिव आई टू हो गया। इसमें जब पुष्टि तो बी डी एस इक्वल टू म्यू नॉट आई वन नेगेटिव आई टू, ये हो गई पियर्स लॉ की सिग्निफिकेंस। राइट आंसर क्या बताती है, इंपीरिकल लूप डिफाइन करो और आपको मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट चाहिए जो कि डी एस के अलॉन्ग हो, बस नथिंग एल्स, और आपको थीटा पता हो। अच्छा अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज हमें ना तो थीटा पता है कि थीटा की वैल्यू क्या है, ना हमें बी पता कि बी किस तरह चेंज हो रहा है आई वन आई टू आई थ्री का कम्बाइंड, तो इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसके लिए कुछ सिमेट्रीज चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप अपने ई डी ए को साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू इन क्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपके पास सिमेट्रीज ना हो, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल जो हमने बात की है प्लेन सिमेट्रीज ना हो। इसी तरह आप एम्पियर लॉ को ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते तब तक जब आपको सिमेट्रीज ना हो। तो क्या हम सिमेट्रीज यूज करेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा, हम मतलब डिफरेंट सिमेट्रीज यूज करते हुए एम्पियर लॉ को अप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 23 में किया था कि हमने गॉसियस लॉ को यूज करते हुए डिफरेंट सिमेट्रीज स्टडी की थी, जिसमें प्लेन सिमेट्रीज स्टडी की, स्फेरिकल की, सिलेंड्रिकल की, ओके। या आई नो के दिस इज अ हार्ड टॉपिक टू गल्प अप, या तो आपको लेक्चर को दोबारा देखना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, बुक को स्टडी करना पड़ेगा, तब तक ये आपको चीज़ समझ आएंगी और आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्शन कैसे जा रही है, आउटवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, तो थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन एक दफ़ा आप गो थ्रू कर जाओगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी एग्जाम में भी, और ऑब्वियसली बात है कि एग्जाम तो होनी है, तो ये कोर्स का पार्ट है, फाइनल का पार्ट लाजमी है, तो हाईली इंकरेज यू कि आप इस पर टाइम लगाए कुछ स्टडी करें, लेक्चर को दोबारा रिवाइंड करके सुने, जहाँ पर समझ नहीं आएगी तो हम नेक्स्ट जो हमें क्लास होगी उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट क्लास।